कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि टाइप 2 पोलियो वायरस जो कि इंडिया से ख़त्म हो चुका था, वो वापस से उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर बच्चों के स्टूल सैंपल्स में और सीवेज में मिला। इसमें और ज़्यादा जांच करने के बाद ये पाया गया कि गाज़ियाबाद की बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने जो ओरल पोलियो वैक्सीन्स बनाई थी, उसमें टाइप 2 पोलियो वायरस था और इसके इस्तेमाल की वजह से ही ये टाइप 2 पोलियो वायरस वापस से पर्यावरण में फैल गया, जिसके बाद इस कंपनी के डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या टाइप 2 पोलियो वायरस के पर्यावरण में आने से हमें कोई नुकसान है और ऐसा क्यों हुआ? इसको समझने के लिए हमें पहले पोलियो के बारे में कुछ चीज़ें जाननी होंगी। पोलियो वायरस जो बीमारी पैदा करता है उसे हम पोलियो माइलाइटिस कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारे खाने पीने की चीज़ों के साथ हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है और हमें इन्फेक्ट कर देता है। किसी इंसान को इन्फेक्ट करने के बाद ये वायरस उसके स्टूल में भी रिलीज़ होता है और पर्यावरण में पहुँच कर ये दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करता है। अगर काफ़ी समय पहले की बात करें तो पोलियोमायलाइटिस पैदा करने वाले ये वायरस 3 तरह के थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इन्फेक्ट करने के बाद कुछ लोगों में ये वायरस नर्वस सिस्टम में पहुंचकर मसल्स को पैरालाइज कर देता है। तो जहां पर पोलियो के केसेस बहुत ज़्यादा थे वहां पर पोलियो को फैलने से रोकने के लिए WHO ने बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाना शुरू किया। अब इस ओरल पोलियो वैक्सीन में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों तरह के वायरस का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन में वायरस का इस्तेमाल क्यों किया जाता था। दरअसल ये वैक्सीन डेराइव्ड वायरस बीमारी पैदा करने वाले वाइल्ड वायरस से थोड़ा अलग होते थे। अब ये वैक्सीन डेराइव्ड वायरस भी इंटेस्टाइन में जाकर अपने नंबर को बढ़ाते थे और स्टूल में भी रिलीज होते थे, पर इन वायरसेस में फ़र्क ये था कि इनमें बीमारी पैदा करने की शक्ति नहीं होती थी। वैक्सीन लेने के बाद हमारा शरीर इन वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता था, तो जब बीमारी पैदा करने वाला वाइल्ड वायरस हमारे ऊपर अटैक करता था तो ये पहले से मौजूद एंटीबॉडी हमें उस वायरस से लड़ने में मदद करती थी। वैक्सीन में तीनों वायरस होने की वजह से हमारे शरीर में तीनों तरह की एंटीबॉडी बनती थी और हमें इन तीनों वायरस से प्रोटेक्शन मिलती थी। ओरल पोलियो वैक्सीन की एक और अच्छी बात ये थी कि वैक्सीन लेने के बाद स्टूल में रिलीज होने की वजह से ये पोलियो वायरस दूसरों तक पहुंचकर उन्हें भी पोलियो से प्रोटेक्शन देते थे। वैक्सीनेशन के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी एजेंसीज समय समय पर यह भी पता किया करते थे कि इस समय पर्यावरण में कौन कौन से टाइप के पोलियो वायरस मौजूद हैं। इसके लिए वो बच्चों के स्टूल और सीवेज की जांच किया करते थे। अपनी जांच में उन्होंने ये पाया कि 1999 के बाद अब पर्यावरण में बीमारी पैदा करने वाला टाइप 2 वाइल्ड वायरस मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने ओरल पोलियो वैक्सीन में एटीन्यूएटेड टाइप 2 पोलियो वायरस का इस्तेमाल कर रहे थे। वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले इन वायरस की एक खास बात यह भी है कि कभी कभी इन वायरस में म्यूटेशन हो जाता है जिससे इनमें बीमारी पैदा करने की शक्ति वापस से आ जाती है। ये करीब 2 मिलियन केसेस में एक बार ही होता है और आगे चल के ये वायरस पर्यावरण में भी फैल जाते हैं। रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि 90% केसेस में ये म्यूटेशन वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले टाइप 2 वायरस में होता है। इससे हमें पता ये चला कि ओरल पोलियो वैक्सीन के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत ही कम परिस्थितियों में कभी कभी नुकसान होने की भी संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब पर्यावरण से वाइल्ड टाइप 2 वायरस खत्म हो चुका था, तो ओरल पोलियो वैक्सीन में टाइप 2 वायरस के इस्तेमाल से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा था, सिर्फ इससे कुछ नुकसान की संभावना बचती थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिसाइड किया कि अप्रैल 2016 के बाद अब ओरल पोलियो वैक्सीन में सिर्फ 2 वायरस का इस्तेमाल किया जाएगा, टाइप 1 और टाइप 3। साथ ही वैक्सीन बनाने वाले सारे लैब्स को ये भी कहा गया कि वो टाइप 2 पोलियो वायरस के सारे स्ट्रेन को ख़त्म कर दें। तो अब सितंबर 2018 में अगर किसी ओरल पोलियो वैक्सीन में टाइप 2 पोलियो वायरस मिलता है तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उस ऑर्डर के खिलाफ है और इसीलिए इस कंपनी के डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आगे का प्लान ये है कि वो इसी तरह एक एक करके ओरल पोलियो वैक्सीन में से वायरस को कम करेगा और एक दिन ओरल पोलियो वैक्सीन को ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि इससे नुकसान होने की भी संभावना है। ओरल पोलियो वैक्सीन के जगह फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। पोलियो के केसेस बहुत ज़्यादा होने पर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इतने अच्छे नहीं होते, यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आखिर में यूज़ करने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस, सजेशंस या फीडबैक हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।